Welcome friends, welcome to my YouTube channel Chemistry Funda for 11th 12th. Today we'll discuss reversible and irreversible process of thermodynamics. ये बहुत confuse करता है सभी लोगों को, students को, तो आज इसके बारे में हम discuss करेंगे. पहले हम कुछ process consider करेंगे, उसके बाद specify करेंगे कि वो reversible है, irreversible है, क्या properties है. Process हम start कर रहे हैं सबसे पहले कि मेरे पास एक system है. इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके ऊपर एक 8 एटमॉस्फेयर का मास रखा हुआ है. 8 एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर एक्सर्ट करने वाला एक मास रखा हुआ है. बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 181, तो टोटल इसका प्रेशर है 9 एटमॉस्फेयर. तो इट्स प्रेशर इज 9 एटमॉस्फेयर, राइट. और इसकी वॉल्यूम 2 लीटर हमने लेट किया. अब हम एक प्रोसेस इमेजिन कर रहे हैं कि हमने इस 8 एटमॉस्फेयर के मास को हटा दिया. 8 एटमॉस्फेयर मास इज रिमूव्ड. और ये काम हम आइसोथर्मली करेंगे, यानी इनिशियल का और फाइनल का टेम्परेचर सेम रहेगा. तो आप इमेजिन करो कि अब 8 एटमॉस्फेयर का मास हटाओगे, इस मास को हटाओगे तो क्या होगा. जैसे ही आप इस मास को डिटैच करोगे, इसका इंस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा 181, राइट. यानी अब जब इंस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 181 होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट. ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये तभी जाके रुकेगा जब इसका भी इंटरनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए. तो ये 181 हो गया इसका भी प्रेशर. और इस समय इसका वॉल्यूम कितना होगा तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए पीवी कांस्टेंट होता है. तो इसके अकॉर्डिंग P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा. P1 पहले वाले सिस्टम में P19 और V12, बाद वाले में प्रेशर 1 है और V2 हमें निकालना है. तो दिस विल गिव यू कि जो V2 की वैल्यू आनी है वो आनी है 18. तो हमने लिख दिया कि चलो ये 18 लीटर हो चुका है. अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस को हमने एक्सपेंड किया, राइट. अब हमारा इंटरेस्ट है इसके पीवी डायग्राम में, तो मैं इसका पीवी डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको लिया. वर्क डन में इसी की रिक्वायरमेंट है. आई एम राइटिंग द एक्सटर्नल प्रेशर हियर. इनिशियल और फाइनल पॉइंट बॉयल्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा आइसोथर्मल के कारण. इनिशियल पॉइंट है हमारे पास प्रेशर में 9 और वॉल्यूम में है 2. तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो वॉल्यूम आएगा ये 2 है, राइट. और जो फाइनल पॉइंट है उसमें है प्रेशर 1. आई एम कंसिडरिंग दिस एज प्रेशर 1 और ये रहा इसका कॉरस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम 18. तो सिस्टम आया कैसे, यहाँ से आपने जैसे ही 8 एटमॉस्फेयर के मास को डिटैच किया, इसके डिटैच होते ही इंस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 118. यानी डिटैचमेंट के साथ ही प्रेशर सडनली एक्सटर्नल प्रेशर 9 से ड्रॉप डाउन हुआ 1 पे. तब इंटरनल सिस्टम को रियलाइज हुआ कि भाई बाहर प्रेशर कम हो चुका है, तो पूरा एक्सपेंड हुआ. इंटायर एक्सपेंशन में उसका जो प्रेशर था, पूरे एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में उसका जो प्रेशर मेंटेन रहा है वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन रहा है. यानी पूरा एक्सपेंशन 118 के गैस में हुआ है. तो ये हमारा स्टेप हुआ. तो अब अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू फॉरवर्ड निकालें, वो आएगा माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क डन एरिया अंडर द पी वी कर्व होता है, तो हमें यही वर्क चाहिए. तो पी एक्सटर्नल जो बाहर का प्रेशर है इनटू डेल्टा वी, पुट करते हैं पी एक्सटर्नल की वैल्यू, ये है माइनस 1 और डेल्टा वी इज हाउ मच, डेल्टा वी इज 18 माइनस 2, इट इज माइनस 16 लीटर एटमॉस्फेयर. 16 लीटर एटमॉस्फेयर हो गया, राइट. अब इसको भूल जाते हैं,
अब हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, यानी इसको यहाँ पे लाते हैं, और लाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ 8 एटमोसफेयर मास इज एडेड, मास इज एडेड, हमें इसके ऊपर 8 एटमोसफेयर का मास रखना है, इसके ऊपर प्लेस करना है, तो ये वापस वहाँ पे आ जाएगा। अब देखने में तो लग रहा है कि सिस्टम रिवर्स हो चुका है, जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, लेकिन वेरीफाई ये करना है कि क्या ये थर्मोडाइनेमिकली रिवर्स हुआ है। तो अब बैकवर्ड के लिए हम पी वी कर्व प्लॉट करते हैं। बैकवर्ड के लिए पी वी कर्व हम प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स तो दो हैं, वो हमें पता है, एक कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 9 और वॉल्यूम इसके कॉरस्पॉन्डिंग का है 2, दूसरा है 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम है 18, यही है हमारे पास। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे ये इनिशियल सिस्टम था, जैसे ही आपने ऊपर इसके ऊपर 8 एटमॉस्फेयर का मास रखा, तो इंस्टेंटली प्रेशर हैज़ बिन रेज टू 989। 9 पे पहुंचने के बाद पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 9 के अगेंस्ट में हुआ और इस पॉइंट को अचीव किया, यानी ड्यूरिंग द एंटायर कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर रिमेन्स 989। अब कोई कहे कि इसका वर्क डन क्या होगा, तो आपको क्या वर्क डन इज सिंपली द एरिया अंडर द पी वी कर्व, तो विल फाइंड द दिस एरिया। तो ये एरिया एक परफेक्ट रेक्टेंगल है, निकालना बहुत आसान है। मैं इसको कह रहा हूँ डब्ल्यू बैकवर्ड, बैकवर्ड ये बहुत सिंपल है। आप कहोगे कि फॉर्मूला तो वही लगना है, माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि पी एक्सटर्नल ये रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो प्रेशर आप 9 लोगे और डेल्टा भी लोगे, तो जो 9 है वो एक्चुअल में एक्सटर्नल प्रेशर है, यहीं से फॉर्मूला आ रहा है। तो माइनस पी विच इज 9 इंटू डेल्टा वी 2 माइनस 18, राइट, ये हो गया प्लस 144 लीटर एटमोसफियर। आप खुद रियलाइज करो, लुक वाइज तो ये पहले जैसा हो गया था, लेकिन थर्मोडाइनेमिकली क्या पहले जैसा हुआ है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड गया था तो इसने 16 लीटर एटमॉस्फेयर का वर्क सराउंडिंग को दिया था, लेकिन जब ये बैकवर्ड गया तो इसने 144 लीटर एटमॉस्फेयर का वर्क सराउंडिंग से ले लिया। इसका मतलब थर्मोडाइनेमिक इम्बैलेंसिंग हो गई, सराउंडिंग में 16 सराउंडिंग को मिला था और वापसी में 144 ले लिया गया, इट मीन्स इट हैज़ लेफ्ट सम इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के टेम्परेचर वगैरह के चेंज के फॉर्म में इसने कुछ इफेक्ट वहाँ छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ जो अभी हमने कंसिडर किया। अब इसकी हम ये निकालेंगे कि एक्सटेंट कितनी है, एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटेंट इरिवर्सिबिलिटी, ये दोनों वर्क का सम ले लेते हैं, प्लस 16 प्लस 144, तो नेट वैल्यू इट विल बी 128 लीटर एटमॉस्फियर, यानी इतने की इरिवर्सिबिलिटी रह गई। ओके, तो अभी तक हमने इसको समझा है, और अभी जो प्रोसेस मैंने कंसिडर किया है, जो आपके सामने डायग्राम के समझाया है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है विद द एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू 128 लीटर एटमॉस्फेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब फिर से वही प्रोसेस है हमारा, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ सा है, सेम है, पिस्टन लगा हुआ है, 8 एटमॉस्फेयर का मास है, बट 8 एटमॉस्फेयर का मास इस बार थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसमें इस बार हम 4 ATM एंड 4 ATM, 8 एटमॉस्फेयर, 4 ATM और 4 ATM के दो मास के फॉर्म में ले रहे हैं, और 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्टिल इट इज 9 ATM प्रेशर और वॉल्यूम 2 लीटर, बिल्कुल पहले वाला ही सिस्टम है। बस अब इसको हम दो स्टेप में एक्सपेंड करके फाइनल स्टेट तक पहुंचाएंगे, जो फाइनल स्टेट इसके पहले वाले केस में था वही फाइनल स्टेट अचीव करेंगे, लेकिन दो स्टेप में। तो पहला केस होगा 4 ATM इज रिमूव्ड, राइट, जैसे ही आप 4 ATM को रिमूव करोगे फिर सिस्टम एक्सपेंड करेगा, और सिस्टम एक्सपेंड करने के बाद इसका जो फाइनल स्टेट होगा, 4 ATM का मास सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि 4 ATM हमने रिमूव कर दिया है,
180 एम, ये तो ऑलवेज रहेगा सराउंडिंग प्रेशर, राइट। यहाँ पे आप देखें तो ये है 5 एटमॉस्फियर एंड द वॉल्यूम विल बिकम, वॉल्यूम निकालना बिल्कुल सिंपल है, P1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी 9 × 2 विल बी इक्वल टू 5 × सेकेंड केस का वॉल्यूम, इट इज 18/5 विच इज 3.6 लीटर्स, इतना वॉल्यूम होगा। बोलते हैं अब इसको आगे बढ़ते हैं, नाउ 4 ATM, अब फिर रिमूव करते हैं, बचा हुआ इज रिमूव्ड। अब जब आप इस 4 ATM को रिमूव करोगे तो अब क्या होगा, अब ये पूरी तरह से एक्सपेंड होके 18 लीटर पे पहुंच जाएगा। पहले वाला ही डायग्राम आ गया, पहले में जो फाइनल आया था, लेकिन वो एक स्टेप के बाद आया था, इस बार 2 स्टेप में आया है हमारे पास। अब यहाँ पे 1 एटमॉस्फियर प्रेशर रह गया एंड वॉल्यूम इज 18 लीटर, निकालना बिल्कुल सिंपल है, वॉल्यूम आपको पता है क्या किया मैंने, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी 9 × 2 विल बी इक्वल टू यहाँ पे 1 × V3 मैंने निकाला, यहाँ से V3 मुझे मिल गया 18 लीटर्स। ये हमारे पास स्टेप्स हैं। अब मैं इस फॉरवर्ड का फिर से PV डायग्राम बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। जो तीन सेटअप्स आप देख रहे हो, उस तीन सेटअप का जो स्टेट्स होंगे वो पीवी कर्व पे लाई करेंगे, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। तीन पॉइंट्स अब हम प्लॉट करते हैं, 9 और 2। पॉइंट नंबर 1, 5 और 3.6 and 1 and 18, राइट। ये तीन है यहाँ पे, यहाँ पे हमने रखा है पी एक्सटर्नल और यहाँ पे हमने रखा है वॉल्यूम। तो प्रोसेस हुआ कैसे, यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, जैसे ही 4 एटमॉस्फेयर का फर्स्ट केस में हमने डिटैच किया तो प्रेशर हैज़ बिन ड्रॉप टू 5 ATM, 5 ATM पर ड्रॉप हो गया। उसके बाद पूरा एक्सपेंशन इस 5 के अगेंस्ट में हुआ टिल द वॉल्यूम बिकम 3.6, राइट। उसके बाद जब दूसरी बार आपने 4 एटमॉस्फेयर का वेट हटाया तो इट हैज बीन ड्रॉप टू 1 ATM, और उसके बाद पूरा एक्सपेंशन 1 ATM के अगेंस्ट में हुआ। तो इस बार हमने दो प्रोसेसेस कराए, अभी मैं ये रिवर्सिबल नहीं कह रहा हूँ, वो बाद में वेरीफाई करेंगे, दो प्रोसेसेस कराए। प्रोसेस एक प्रोसेस में हमारे पास ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ और दूसरे प्रोसेस में हमारे पास ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। तो अगर हम वर्क फॉरवर्ड निकालें, डब्लू फॉरवर्ड, वो सिंपल है, आप कहोगे कि दोनों रेक्टेंगल के लिए हमें अप्लाई करना होगा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, और ऐड कर देंगे। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ पहले वाले केस में, माइनस फॉर्मूला वही लगना है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो उसका प्रेशर कितना है 5 − 5 × Δv, Δv 3.6 − 2। फिर दूसरे केस में −1 × Δv, यानी 18 − 3.6। आप इसको सॉल्व करो और ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद −22.4 लीटर एटमॉस्फेयर, भूल जाते हैं अब इसको। अब इसको बैक करने की बारी है, तरीका वही है बैक करने का, 4 ATM इज एडेड, यहाँ पे भी 4 ATM इज एडेड, यहाँ पे भी हमने 4 एटमॉस्फेयर ऐड किया इसके ऊपर, 4 ATM इज एडेड, और पहले एकदम पहले वाली सिचुएशन पे पहुँच गया। तो देख के तो लग रहा है रिवर्स हो गया, पर थर्मोडाइनमिकली फिर देखते हैं, पिछली बार एक्सटेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी 128 आया था हमारे पास और वो इरिवर्सिबल था, इस बार देखते हैं क्या है। अब जब रिवर्स कर रहे हैं बैकवर्ड के केस में, तो अगेन तीनों पॉइंट्स लाई तो करेंगे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पे, राइट, लेकिन इसका डायग्राम कैसा होगा वो चीज़ देखना है। ये 1 और इसके करस्पॉन्डिंग का ये वॉल्यूम है 18, पॉइंट नंबर 1, फिर ये हुआ 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम हुआ 3.6,
सिर्फ अभी तीन स्टेट्स की को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर पाथ को ड्रॉ करेंगे। ये 9 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम 2 स्टार्टिंग यहाँ से होती है। जैसे ही आपने 4 एटीएम का वेव पहले लास्ट वाले में प्लेस किया तो उसका प्रेशर राइज हो गया, प्रेशर राइज होके हो गया 5 पर, और उसके बाद पूरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस 5 के अगेंस्ट में टिल द वॉल्यूम बिकम 3.6 लीटर्स। फिर जब दूसरी बार आपने इसके ऊपर 4 एटीएम का मास रखा तो फिर इसका प्रेशर राइज कर गया, प्रेशर हैज बिन राइज टू 9 एटमॉस्फेयर, और उसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्शन 9 के गैस में हुआ और फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। तो ये अब हमारे पास रिवर्स का पाथ हुआ, राइट। अब इसमें भी दो रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ही हम वर्क निकाल पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालेंगे, एंड दिस इज द सेकेंड रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालेंगे इन ऑर्डर टू हैव द वर्क। तो वर्क बैकवर्ड, अब अगर हम करें डब्ल्यू वी से, मैं वर्क बैकवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस फॉर्मूला वही पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पहले वाले के लिए पी है 5, सॉरी मैंने ब्रैकेट दे दिया, पहले हम 5 माइनस पी विच इज 5 इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज 33.6 माइनस 18, और जो दूसरा पार्ट होगा माइनस 9 टू माइनस 3.6। इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद ये आएगा 86.4 लीटर एटमॉस्फेयर, राइट। तो फिर से एक्सटेंड इरिवर्सिबिलिटी का इतना तो पता चल गया कि फॉरवर्ड में जो वर्क इसने सराउंडिंग को दिया था वो 22.4 दिया था, और बैकवर्ड में सॉरी प्लस होगा, बैकवर्ड में इसने जो एब्जॉर्ब कर लिया वो 86.4, यानी थर्मोडाइनेमिकली अभी भी बैलेंस नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वर्क अलग अलग आ रहा है। तो अगेन ये इरिवर्सिबल सिस्टम हुआ। अब यहाँ पे एक्सटेंट, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है, इसी से कुछ कंक्लूड करेंगे हम। एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज हाउ मच, दोनों का सम डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू बी, क्योंकि वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट ही होंगे क्योंकि साइन अपोजिट है उनका, प्लस 86.4 विच इज 64 लीटर। ये इम्पोर्टेंट है कि जब हमने इसके पहले वाले केस में एक स्टेप में इसको एक्सपेंड कराया था, उसमें भी आप देख लो इनिशियल और फाइनल सेटअप सेम था, जो अभी है ये इनिशियल और ये फाइनल, यही इसके पहले भी था लेकिन एक स्टेप में हमने अचीव किया था। तो उस समय एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी हमारे पास था 128 का, जब इसको दो स्टेप में हमने किया तो एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी जस्ट हाफ हो गया, 64 हो गया। तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि जब दो स्टेप में किया तो ये हाफ हो गया, तो थ्री स्टेप में 1/3 हो जाएगा, फोर स्टेप में 1/4 होगा, ऑल दो चार स्टेप में भी आप कराओगे, पाँच में भी कराओगे, छः में भी कराओगे, तो एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कम तो हो रहा है लेकिन प्रोसेस इरिवर्सिबल ही कहा जाएगा क्योंकि वो जीरो नहीं हो रहा है। तो जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक ये रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी आप इसको एक स्टेप में कराओ, दो में, तीन में, चार में, पाँच में, ये हर केस में इरिवर्सिबल ही रहेगा, राइट। बट एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी काफ़ी कम होती चली जाएगी। तो अब हमें इसको रिवर्सिबल बनाना है तो क्या करना होगा? वेल ऑब्वियस सी बात है कि इसको हमें इनफाइनाइट स्टेप्स में कराना होगा। अगर हम इनफाइनाइट स्टेप में कराएंगे तब जाके फिर ये जीरो हो जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का स्टेप। तो देखते हैं कि इनफाइनाइट स्टेप में हम इसे कैसे कराते हैं। अब हम उसी प्रोसेस को फिर से करा रहे हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा कराने का मोड अलग है, सेम इनिशियल सेटअप ले रहे हैं बट दिमाग में है कि इनफाइनाइट स्टेप्स में कराना है सो दैट हम रिवर्सिबिलिटी अचीव कर सके, एक्सटेंट ऑफ जो इरिवर्सिबिलिटी था वो जीरो आ जाए। इसीलिए अब हम इनफाइनाइट स्टेप में कराने के लिए इसके ऊपर अब सैंड पार्टिकल ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग सैंड पार्टिकल 8 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर एग्जर्ट करता हो उतना मास हमने ले लिया सैंड, और 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी सारे पैरामीटर्स थे 9 एटीएम नेट प्रेशर इसका एंड वॉल्यूम 2 लीटर्स। अब क्या कर रहे हैं, रिमूविंग
रिमूविंग सैंड पार्टिकल पार्टिकल वन बाय वन सैंड पार्टिकल को रिमूव करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस ढंग से हम फाइनल स्टेट को अचीव कर रहे हैं, जो कि फाइनल स्टेट हमारा है वन एटमॉस्फेयर एंड 18 लीटर का। और फिर उसके बाद हम वापस रिवर्स जा रहे हैं, एडिंग सैंड पार्टिकल वन बाय वन पार्टिकल वन बाय वन, राइट। तो यही पूरी स्टोरी है यहाँ पे। अब हमने इनफाइनाइट स्टेप्स में अचीव किया। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कर्व आएगा कैसे। पहले देखिए, ये आइसोथर्मल है तो आना तो पीवी कर्व पे ही है, सारे पॉइंट्स बीच के पीवी पे होंगे। तो देखो, जब आप फॉरवर्ड जा रहे होंगे तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्टेयर्स बनेंगे, क्योंकि सैंड पार्टिकल के बराबर का आप प्रेशर कम कर रहे हो, जो कि नेग्लिजिबल है। ऐसे 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 छोटे छोटे स्टेयर्स बन के फाइनल तक पहुँचोगे। और जब आप बैकवर्ड में जाओगे तो यही स्टेयर्स ऊपर की तरफ से छोटे छोटे बनते जाएंगे, राइट। अब ये भी परफेक्ट कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो मैं अभी स्टेप्स बना रहा हूँ ना, ये काउंटेबल है। और आपने ऊपर कहा है ये इनफाइनाइट स्टेप्स हम करा रहे हैं, तो इनफाइनाइट स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि आप ये और ये मर्ज्ड विथ पीवी लाइन, ये पीवी लाइन पे मर्ज कर जाएगा। हर पॉइंट पीवी पे ही लाई करेगा जब आप इनफाइनाइट स्टेप्स में कर दोगे। यानी इसका जो एक्चुअल कर्व आएगा वो ये आएगा, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी, राइट। और अब आप देखोगे तो फॉरवर्ड से जाओ या बैकवर्ड से जाओ, आपको वर्क इक्वल मिलेगा, क्योंकि दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, क्योंकि पाथ सेम हो गया। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, पाथ सेम होते ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का एरिया सेम हो गया। बस जैसे ही ये हुआ, ठीक है, ये प्रोसेस हमारे लिए रिवर्सिबल हो गया। यानी इसमें हम ये कहने जा रहे हैं कि डब्ल्यू एफ साइन वाइज तो भाई दोनों अपोजिट हैं, लेकिन अगर हम साइन वाइज लेंगे और ये मॉडल मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो डब्ल्यू एफ विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी। और अगर हम एक्सटेंट एक्सटेंट देखेंगे इरिवर्सिबिलिटी का, तो ये आ जाएगा जीरो। यानी अब ये परफेक्ट रिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल सिस्टम। यानी जैसे ही हमने इनफाइनाइट स्टेप्स में कराया तो ये रिवर्सिबल हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक मैंने कहीं पे कुछ नहीं, जहाँ जैसा मिलता गया मैंने वर्ड यूज़ किया, जहाँ रिवर्सिबल मिला रिवर्सिबल, जहाँ इरिवर्सिबल मिला इरिवर्सिबल। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं कि भाई ठीक है, इसको वन लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या क्या लैंग्वेज रिवर्सिबल के लिए होगा, क्या क्या इरिवर्सिबल के लिए होगा। अब आते हैं, पहले मैंने इरिवर्सिबल लिया तो मैं इरिवर्सिबल से इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। पहला हमने क्या देखा था कि ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस का मतलब है काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें हम स्टेप्स लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसलिए हम काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स कह रहे हैं। और ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम नहीं लगना है इसमें। दूसरा, इसमें क्या था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का पाथ अलग अलग है, पाथ ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज डिफरेंट। इसमें हमें डिफरेंट पाथ मिला था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, इसीलिए वर्क डन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अलग आया था। थर्ड, इट विल लीव लीव
सम इफेक्ट, सम इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट रह ही जाएगा इसके होने के बाद यूनिवर्स के ऊपर। एंड द फोर्थ वन, इसमें एक चीज और हमने लर्न किया कि वर्क डन इरिवर्सिबल का जब हमें निकालना होगा तो हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। क्योंकि जब भी आप इरिवर्सिबल कराओगे तो जो भी इरिवर्सिबल स्टेप होगा उसमें हमें प्रेशर कांस्टेंट मिला था, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन होगा। अगर वो तीन स्टेप में हो रहा है तो तीन अलग अलग हमें कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन मिलेगा, तो हमें फॉर्मूले को 3 बार यूज़ करना होगा। यही अगर 4 बार होगा तो 4 बार यूज़ करना होगा लाइक दिस। तो दीज आर द कंक्लूजन्स। अब ऐसे ही अगर रिवर्सिबल जो लास्ट में हमने देखा था उसमें हम क्या कंक्लूड करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत विल टेक इनफाइनाइट टाइम, विल टेक इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम, ये इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको होने में, ये हमने देखा था। दूसरा पाथ ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज सेम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का पाथ सेम होगा, राइट right? ये हमने देखा था इसमें। थर्ड विल लीव नो इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, लीव नो इफेक्ट इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। एंड द फोर्थ वन भाई, इसका इस केस में एक बार मैं इसको डिस्कस भी कर लेता हूँ। इस केस में हमारे पास जो रिवर्सिबल का लास्ट हमने देखा था तो पीवी कर्व भी मिल गया था आइसोथर्मल जब हमने कंसीडर किया था, तो और यहाँ पे जब आप एरिया निकालोगे, ये एरिया निकालना है तो आपको पता है कर्व इसमें इन्वॉल्व है, कोई रेक्टेंगल तो है नहीं, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें तो वही इंटीग्रेशन ही करना होगा। यानी इस केस में अगर वर्क निकालना होगा इसके एरिया के थ्रू तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, पी डी वी विथ इंटीग्रेशन, इनिशियल वॉल्यूम वी वन से फाइनल वॉल्यूम वी टू, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए इस केस के लिए फार्मूला आएगा माइनस पी डी वी इंटीग्रेशन वी वन से वी टू। अब आप कहोगे कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, तो आप एक्सटर्नल लो या इंटरनल लो, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सटर्नल इंटरनल इक्वल ही है इस केस में, क्योंकि आप सैंड पार्टिकल के बराबर का डेविएशन कर रहे हो या उससे भी कम, सैंड पार्टिकल भी लार्ज हो गया उससे भी कम का डिवीजन कर रहे हो, इसीलिए हर पॉइंट पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये है कंक्लूजन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये चीज, ये यूज़ करना होता है हमें, वर्क डन इसके फॉर्मूले को यूज़ करना है, बाकी तो सारे लैंग्वेजेस हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं मिस कर गया, नेचर अपने आप को ना रिवर्सिबिलिटी में ही डिज़ाइन करता है, जैसे ग्रोथ ऑफ नेल्स, ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ प्लांट, दे आर वेरी स्लो, हमें पता है बहुत ही स्लो होते हैं बट हमें दिखता नहीं है। तो नेचर ऑलवेज क्लोज जाना चाहता है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज डिमांडिंग, वो एनर्जी वाइज मोस्ट एफिशिएंट होता है, इसलिए नेचर उसी के क्लोज रहता है। तो इसके लिए एक डिक्शनरी में वर्ड होता है क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो हो रहा होता है बट इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक फॉर द ह्यूमंस, वो ह्यूमन के लिए स्टैटिक अपीयर होंगे, तो उसी को कहते हैं क्वासी स्टैटिक। तो इसीलिए रिवर्सिबल के लिए ये वर्ड भी यूज होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
तो ये था डिटेल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इसको कंक्लूड करने के पहले बस मैं एक न्यूमेरिकल लेना चाहता हूँ, सो दैट थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए इसके बारे में। एक न्यूमेरिकल के साथ इसको एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 2 एटमोसफेयर 4 लीटर टू 1 एटमोसफेयर अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर आइसोथर्मली, फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। अब सबसे पहला चीज़ है, ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, तो कैसे पता करेंगे? क्योंकि जब तक ये नहीं पता करेंगे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लाइन को नोटिस करना, कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर, जो भी एक्सपेंशन हो रहा है इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाई। कोई भी प्रोसेस एक कॉन्स्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंड कर रहा है तो ये क्लियर कट केस है इरिवर्सिबल का, क्योंकि इरिवर्सिबल में ही जो पूरा एक्सपेंशन आया था उस ड्यूरेशन में एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट रहा था। रिवर्सिबल में ऐसा हो ही नहीं सकता, यू कॉन्ट अचीव दिस। यहीं से हमने कंक्लूड किया कि भाई ये जो लैंग्वेज है अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, दिस प्रूव्स इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसको फर्दर और भी वेरीफाई करते हैं बाई प्लॉटिंग इट, इसका पीवी कर्व प्लॉट करते हैं। आइसोथर्मल है तो पहले हम बॉयल्स का कर्व बना लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ये कर्व आएगा। यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, इनिशियल पॉइंट है 2 एटमोसफियर और वॉल्यूम है इसके कॉरस्पॉन्डिंग का 4, लिख देते हैं 4। फाइनल प्रेशर इज 1 atm, मैंने मान लिया ये रहा 1 atm, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का ये वॉल्यूम है, राइट। अभी मैं इस वॉल्यूम की वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आइडियल गैस है, ठीक है, गैस इज आइडियल पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 × 4 इज इक्वल टू 1 × V2, यानी वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 8 लीटर्स, लिख देते हैं ये 8 लीटर है। अब कैसे आया प्रोसेस, इसका मतलब है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पूरा एक्सपेंशन 1 एटमोसफेयर के अगेंस्ट में हुआ है, इसका मतलब ज़रूर यहाँ से पहले प्रेशर को ड्रॉप डाउन किया गया होगा, प्रेशर हैज़ बिन ड्रॉप डाउन टू हियर, यहाँ तक ड्रॉप डाउन हुआ। उसके बाद यहाँ से पूरा एक्सपेंशन जो है एंटायर एक्सपेंशन वो 1 atm के अगेंस्ट में हुआ है टिल इट रीच हियर। इसका मतलब अगर हमें वर्क निकालना है तो वी हैव टू कंसिडर दिस एरिया, इसी एरिया को हमें निकालना होगा। बहुत सिंपल है, ये स्टैब्लिश कर रहा है ये कर्व, ये जो ग्राफ है ये स्टैब्लिश कर रहा है रेक्टेंगल के फॉर्म में आना, ये इरिवर्सिबल है। तो अब वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें पता है क्या है, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट में पूरा एक्सपेंशन हुआ इट इज़ 1 एंड डेल्टा वी इज 8 − 4, यानी ये 4 लीटर एटमोसफेयर, इतना इसका वर्क डन है, यानी ये वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है सिस्टम ने काम किया, सिस्टम में से वर्क जा रहा है। एनीथिंग एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, एनीथिंग रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, इसका मतलब सिस्टम से ये वर्क आपने निकाल लिए। अब आते हैं अदर पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए, एंड डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का ये जनरल फॉर्मूला क्यों ले लेते हैं, इसको डेराइव तो करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर पर मान के, लेकिन इसको आइडियल गैस के लिए जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो बना हुआ है, तो ये फॉर्मूला है। तो इस केस में सिंस टी कॉन्स्टेंट है, राइट, इट मीन्स डेल्टा टी जीरो हो गया, इसीलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच 0 हो गया। तो तीन वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ से होता है क्यू इज इक्वल, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस केस में डेल्टा यू 0 है तो इसको 0 पुट करेंगे तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, यानी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर एटमोसफियर। तो ये सॉल्यूशन हुआ
एक क्वेश्चन मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस का लेके किया है, ठीक है, और ये इसका डिटेल सॉल्यूशन था, राइट। तो इस ढंग से हमने इसको प्रोसीड किया और हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी को अगर हम रिवर्सिबल लेके करेंगे तो कैसे होगा, इन सभी पे एक अलग से सेपरेट मेरा वीडियो है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। उसमें काफ़ी डिटेल में अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छोटा सा डिस्कस करते हैं इसको वाइंड अप करने के पहले, कि हाउ टू कन्वर्ट दिस लीटर एटमोसफेयर इंटू जूल्स एंड कैलोरीज, क्योंकि बहुत बार आता है कि दूसरे यूनिट में हमें ज़रूरत है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आर की तीन वैल्यूज़ हैं, एक है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, दूसरे में है 8.31 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और तीसरा है 2 कैलोरीज, ओ सॉरी वेरी सॉरी, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन एंड 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। एक्चुअली में हम आर को ही यूज़ करेंगे। देखो, सपोज करो हमारे पास 4 लीटर एटमॉस्फेयर, ये एनर्जी है, आइदर वर्क या हीट कुछ भी है, इसको हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल से मैं कैसे करूँगा, 4 लीटर एटमॉस्फेयर, इसको मैं आर से डिवाइड करूँगा और आर से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं आर से इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू को यूज़ करूँगा, यानी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 पर केल्विन, और मल्टीप्लाई करते से मैं उस वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे ये वैल्यूज चाहिए, मानो जूल्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अब आप चेक कर लो क्या होगा, लीटर एटमॉस्फेयर को कैंसिल कर देगा, मोल पर केल्विन इधर से मोल पर केल्विन से कैंसिल हो जाएंगे और नेट हमारे पास सिर्फ जूल्स रह जाएगा, यानी ये वैल्यू जूल्स में कन्वर्ट हो चुका है, 082 जूल्स। सिमिलरली अगर हमें इसे कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो यही प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूँगा, लीटर एटमॉस्फेयर, आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई। जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो लीटर एटमॉस्फेयर को कैंसिल करने के लिए लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू को लूँगा, और मल्टीप्लाई करते समय मैं कैलोरीज में चाहिए तो मैं कैलोरीज वाली वैल्यू को लूँगा, ठीक है, राइट। और जैसे ही ऐसा करेंगे हम तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, लीटर एटमॉस्फेयर इसको कैंसिल कर देगा और फाइनली हमारे पास ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना कैलोरीज। तो वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर किसी को ज़रूरत है तो। थैंक यू वेरी मच।